नमस्कार विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज फंडामेंटल की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने कला के विषय में जाना कि कला क्या होती है और कितने प्रकार की कलाएं होती हैं, तथा कुछ विद्वानों के मत को भी हम जाने। अब आज की क्लास में हम साहित्य में कला को जानेंगे और इसमें सबसे पहले हम वेद के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं, उसके बाद वैदिक काल आता है। और वैदिक काल जो है यह एक ग्रामीण सभ्यता है, न कि शहरी सभ्यता है। वैदिक काल के दो पार्ट हुए, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है और उत्तर वैदिक काल को लौह युग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोहे की खोज हुई थी। अब हम वेदों के विषय में जानेंगे कि वेद किस धातु से बना है। वेद शब्द जो है विद धातु से बना है। बना है और विद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। वैदिक काल यह एक ग्रामीण सभ्यता है। ये शहरी सभ्यता नहीं है। और वैदिक काल के दो पार्ट हुए, दो भागों में बांटा गया। पहला हुआ ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का संबंध जो है ऋग्वेद से है जबकि उत्तर वैदिक काल को लौह युग कहते हैं। इसमें लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज हुई थी। अब हम वेदों के विषय में जानेंगे कि वेद कितने होते हैं। तो वेदों की संख्या चार है, कुल वेद चार होते हैं।
पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। वेदों की कुल संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें कला शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। यजुर्वेद जो है यह यज्ञ से, कर्मकांड से संबंधित है, जबकि सामवेद जो है संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद में पहली बार कला का प्रयोग या उल्लेख किया गया है। अब हम इसमें सबसे पहले ऋग्वेद के विषय में पढ़ेंगे, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वेद विद धातु से बना है, विद का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। वैदिक काल यह एक ग्रामीण सभ्यता है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि वैदिक काल जो है ग्रामीण सभ्यता है कि शहरी सभ्यता है, तो यह एक ग्रामीण सभ्यता है न कि शहरी सभ्यता है। इसके दो पार्ट हुए, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद आता है, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ये लौह युग है, इसमें लोहे की खोज होती है। वेद हमारे चार होते हैं, इसको सिक्वेंस से लर्न कर लीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो होता है इसमें पहली बार कला का प्रयोग किया गया था, ये सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद सबसे बाद के का वेद है और ये है चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों वेद जो है त्रयी वेद कहलाते हैं, जबकि अथर्ववेद बाद का है। ऋग्वेद यजुर्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये तीनों वेद जो हैं ये त्रयी वेद के अंतर्गत आते हैं, इनको त्रयी वेद कहा जाता है। जबकि अथर्ववेद जो है ये त्रयी वेद के अंतर्गत नहीं आता। अथर्ववेद त्रयी वेद के अंतर्गत नहीं आता। तो ये तीनों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों त्रयी वेद तीनों कहे जाते हैं, जबकि अथर्ववेद काफी बात का है, यह त्रयी वेद के अंतर्गत नहीं आता, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम सबसे प्राचीन वेद, सबसे पहला वेद ऋग्वेद के विषय में जानेंगे कि ऋग्वेद का समय क्या है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व है और यह सबसे प्राचीन वेद है। यहाँ पर पहली बार कला शब्द का उल्लेख मिलता है, पहली बार गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख यहाँ पर मिलता है।
पहला वेद ऋग्वेद। इसका समय पंद्रह सौ ईसा पूर्व इसका समय है। यह सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहली बार कला शब्द का उल्लेख मिलता है। पहली बार कला शब्द का उल्लेख या प्रयोग मिलता है। पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां पर हमारी कला में वर्ण का मतलब रंग से होता है। पहली बार गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यहां पर कला के लिए हुनर या कौशल कहा गया है। कौशल कहा गया है। हड़प्पा को हरियूपियन नाम दिया गया है। पहली बार कला शब्द का उल्लेख मिलता है। पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। कला को हुनर या कौशल कहा गया है और इसी में ऋग्वेद में ही एक श्लोक है। यथा कला यथा सब मद सुरसा नियमिति।
और ऐसा माना जाता है कि इसी श्लोक से ही कला की उत्पत्ति को माना जाता है। यहाँ पर पहली बार चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र प्राप्त होते हैं। और यहां पर भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी के काम में निपुण बताया गया है। लकड़ी के काम में निपुण बताया गया है। ऋग्वेद इसका समय 1500 ईसा पूर्व है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें पहली बार कला शब्द का प्रयोग किया गया है। पहली बार गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। पहली बार इसमें वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कला को हुनर या कौशल कहा गया है, हुनर या कौशल नाम दिया गया कला को, और हड़प्पा को हर यूपियन नाम दिया गया है। श्लोक यहाँ का यथा कला यथा सब मधुसूदन नियमिति, इसी से कला की उत्पत्ति को माना जाता है। यहाँ पर चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र प्राप्त होते हैं। भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी के काम में निपुण बताया गया है। तो ये ऋग्वेद है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद को पढ़ाते हैं। यजुर्वेद यह कर्म कांडों से संबंधित है। यह यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित है। इसमें यज्ञ के विधान को बताया गया है। पहली बार चौसठ कलाओं का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद में सबसे पहली बार चौसठ कलाओं का उल्लेख मिलता है। अब हम सामवेद को पढ़ेंगे।
यह संगीत प्रधान है। संगीत या इसी को कहते हैं गीत। यह संगीत प्रधान है। संगीत कला का पहला बार यहाँ पर उल्लेख हुआ है। संगीत कला का पहली बार उल्लेख यहीं पे मिलता है। यह संगीत शास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण है। चौथा और अंतिम है हमारा अथर्ववेद। यह हमारा अंतिम वेद है। इस वेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा है। अथर्वा ऋषि ने लिखा है। और यह चिकित्सा से यह तंत्र मंत्र जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से संबंधित है और चिकित्सा में आयुर्वेद से संबंधित है। चिकित्सा में आयुर्वेद से संबंधित है और यह त्रयी वेद के अंतर्गत नहीं आता। यह वेद त्रयी वेद के अंतर्गत नहीं आता। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो गया और सबसे बाद का वेद जो है यह अथर्ववेद हो गया। यजुर्वेद यह यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। इसमें यज्ञ के विधान को बताया गया है। इसमें पहली बार 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। सामवेद यह संगीत गे या गीत प्रधान है। इसमें संगीत कला का पहली बार उल्लेख मिलता है। यह संगीत शास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण है।
अथर्ववेद या अंतिम वेद है, यह त्रय वेद के अंतर्गत नहीं आता। इसको अथर्व ऋषि ने लिखा है। यह तंत्र मंत्र, जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित है। तो ये वेद कंप्लीट, ये आपका वेद कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और इसी के साथ साथ विद्यार्थियों, हमारे यहाँ एक और चैनल प्रोवाइड कराया गया है और उस चैनल को पूजा मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। वो चैनल आर्ट स्टूडियो के नाम से है। आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहां पर पूरा यूथ पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। सब डेली का डेली उसमें वीडियो पढ़ रहा है, परीक्षा से संबंधित प्रश्न उसमें डाले जा रहे हैं। टीजीटी पीएचटी शिल्पी को भी सॉल्व कराया जाएगा, इसलिए आप सभी लोग उसको जरूर सब्सक्राइब करिए। और विद्यार्थियों, आप लोग लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसके साथ साथ बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।